नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम मैंगो रबड़ी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने फुल क्रीम दूध लिया है 1 लीटर। ये मैंगो है, ये मिल्क पाउडर है, ये इलायची पाउडर है, और ये काजू और बादाम है, और ये 2 ब्रेड स्लाइस हैं। अब हम दूध को बॉईल करने के लिए गैस पे रखते हैं। ये देखो, कढ़ाई में दूध डाल लेते हैं। ये फुल क्रीम दूध है 1 लीटर। ये थोड़ी कढ़ाई ना थोड़ी भारी तले की होनी चाहिए। तो देखो, ये हमने अब गैस को हम ऑन कर देते हैं। अब हम इसको ऐसे चलाते हैं, और जो ये हमने जो ये ब्रेड स्लाइस लिए है, इसके हम साइड से किनारे काट लेते हैं, और इसको हम मिक्सी के जार में इसको हम पाउडर बना लेंगे। इसका भी हमने ये 2 स्लाइस लिए हैं, इससे थोड़ी ये जल्दी बनेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये रबड़ी जल्दी बन जाएगी, नहीं तो दूध सुखाने में बड़ा टाइम लग जाता है। हमने इसको काट के इसको हम मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेंगे। छील लेते हैं। देखो, इसको हम आधे मैंगो को तो हम एक को हम छील लेंगे और एक की प्यूरी बना लेंगे, एक के हम पीसेस काट लेंगे। ये देखो, कुछ तो मैंने इसके पीसेस काट लिए हैं, और कुछ के एक आम की मैंने प्यूरी बना ली है, और एक की मैंने कट कर ली है। अब जो ये हमने दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए, जो ये हमने ब्रेड का पाउडर बनाया था, क्रम्स बनाए थे, अब इसको हम इसमें डाल देते हैं, और इसको हम अच्छी तरह हिलाते हैं, और साथ में ही हम इसमें ये मिल्क पाउडर है, ये मिल्क पाउडर भी इसमें डाल देंगे, और इसको हम अच्छी तरह हिलाते रहेंगे। ब्रेड डालने से क्या होगा कि ये जो जल्दी गाढ़ी हो जाएगी, ये जो दूध है और रबड़ी हमारी जल्दी बन जाएगी। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाते हैं। अब थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसमें मलाई डालेंगे। देखो, ये अच्छी तरह ये ब्रेड और जो मिल्क पाउडर डाला था, ये अच्छी तरह घुल चुका है। अब हम जो ये मलाई, एक कटोरी इसमें मलाई डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह गाढ़ा होने तक इसको हम पका लेते हैं। ये देखो, ये दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। अब हम चीनी भी थोड़ा पानी छोड़ेगी, उसको गाढ़ा होने के तक इसको पका लेंगे। और साथ में जो ये इलायची पाउडर था, वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह गाढ़ा होने तक। ये देखो, ये अब जो हमने रबड़ी बनाई थी, ये अब थोड़ी गाढ़ी हो गई है, सूख गया दूध, अच्छी तरह गाढ़ी हो गया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखो, ये ठंडी हो चुकी है ये रबड़ी। अब जो ये हमने मैंगो प्यूरी बनाई थी, अब वो हम इसमें सारी डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखो, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखो, ये हमने इसमें मैंगो प्यूरी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसके जो हमने ये मैंगो कट करके रखे थे, अब ये थोड़े से मैंगो हम इसमें अंदर डाल देंगे, और बाकी हम ऊपर डेकोरेशन के लिए रख देंगे थोड़ा, और साथ में जो ये टूटी फ्रूटी है, ये टूटी फ्रूट भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखो, ये रबड़ी बन गई हमारी तैयार हो गई है। अगर जो आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।